सो दोस्तों फाइनली कावासाकी ने अपनी एलिमिनेटर 450 का 2024 मॉडल को लॉन्च कर दिया है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे दोस्तों आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करी जाए तो लुक्स तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख ही रहे हैं इस बाइक का, जो कि देखने के मामले में दोस्तों काफी ज्यादा सही लग रहा है। तो आप लोग बताएं कि आप लोग को इस बाइक का जो लुक है या आप लोग को कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी यहां पे दोस्तों अगर मैं आप लोग को इस बाइक के फीचर्स के बारे में बताऊं तो फीचर्स भी दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे अच्छे ही देखने को मिलते हैं। लाइक इस पे दोस्तों आप लोग को कंप्लीट एलईडी लाइटिंग सेटअप के साथ फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, जिसपे दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बाइक पे आप लोग को अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर, टेलीस्कोपिक के सस्पेंशन के साथ जो है रेयर पे आप लोग को ट्विन शॉक सस्पेंशन और डुअल डिस्प्ले के साथ जो है डुअल चैनल एबीएस के साथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जैसे काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं। बात कर जाए दोस्तों इंजन के बारे में तो इस बाइक पे दोस्तों आप लोग को अच्छा खासा पावरफुल इंजन दिया गया है, जो कि दोस्तों 451 सीसी का है। लेकिन दोस्तों बाइक पे आप लोग को लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसपे की दोस्तों आप लोग को BS6 फेज 2 इंजन दिया गया है। तो इसका मतलब दोस्तों बाइक पे आप लोग को OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 केपेबल इंजन भी दिया गया है, यानी दोस्तों जो 20% एथेनॉल वाला फ्यूल होता है वो आप लोग इस बाइक पे यूज कर पाएंगे। पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों 44.7 bhp तक की पावर और 42 nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि ये जो बाइक है ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आती है। बाकी यहाँ पे अगर मैं आप लोग को माइलेज के बारे में भी बताऊं तो लगभग दोस्तों आप लोग को 20 km/h के आसपास में देखने को मिलेगा। बात कर जाए दोस्तों प्राइसिंग के बारे में तो लगभग दोस्तों 5,62,000 रुपए के आसपास में इस बाइक की एक्सोरूम प्राइस रखी गई है दिल्ली की। और यहीं पे अगर मैं आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों 7 लाख रुपए से लेकर 7,10,000 रुपए के आसपास में इस बाइक की ऑन रोड प्राइसिंग आ जाती है 2024 में। तो आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग को ये बाइक कैसे लगी, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है यह आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।